ब्यूटी और राक्षस। दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसकी तीन बेटियां थी, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्यूटी उसकी सबसे लाडली थी। एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला। आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोहफे लाने का वादा किया। ब्लिस और ब्लॉसम को अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर गहने चाहिए थे। तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? गुलाब चाहिए पिताजी, सुंदर लाल गुलाब। दूर देश पहुंचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए। आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोहफे लिए, लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले। निराश होकर वो घर निकल पड़ा। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया। हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहाँ कोई नहीं था। उसने देखा कि वहाँ स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था। खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था। अचानक उसने सुंदर गुलाब के पेड़ देखे। जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को छूने की? मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूंगा। नहीं नहीं राक्षस, नहीं साहब जी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं मेरी बेटी के लिए ले जा रहा था। कृपया आखिरी बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और सजा लेनी होगी। ये अंगूठी ले लो, ये तुम्हें यहाँ वापस लाएगी। व्यापारी खुशी से घर लौटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई। दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था। जाना जरूरी है पिताजी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, तब ब्यूटी ने वो जादू की अंगूठी निकाली और उसका उपयोग करके वो राक्षस के महल पहुंची। कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। राक्षस मान गया। उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और अपने बगीचे से बहुत सारे फूल दिए। उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बातचीत की। असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था, लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था, क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। यहाँ ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी बहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। उसकी शर्त मंजूर करके ब्यूटी घर गई। सारा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दिन गुजरते गए, अब तो 10वां दिन भी गुजर गया। ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी। उस रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है। घबराकर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बगीचे में गई, उसने देखा कि राक्षस वहाँ पड़ा हुआ था। ओ राक्षस, तुम्हें जीना होगा, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, उस राक्षस का रूपांतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में हो गया। मैं राजकुमार माइकल हूँ। ये एक बूढ़ी परी का श्राप था, क्योंकि मैं हमेशा बदसूरत जानवरों पर अन्याय करता था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे बदसूरत होने के बावजूद मुझसे प्यार करे। और ब्यूटी, तुमने इस राक्षस से प्यार किया। माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया। ब्यूटी के पिता और बहनें भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुख चैन से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।